बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आए खांसी और सर्दी का इलाज, जो घर में बड़ी जल्दी और आसानी से तैयार हो जाता है। तो बेसिकली सूजी का हलवा है, जिसे हम सौंठ के एडिशन के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा है, 15 से 20 मिनट में घर में जो इंग्रीडियंट्स अवेलेबल है उनसे बन जाता है और बहुत इफेक्टिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं सौंठ क्या होती है। सूखी हुई अदरक जो है उसे पाउडर जब कर लेते हैं तो उसको हम सौंठ का पाउडर कहते हैं, या सूखी हुई अदरक को आप सौंठ कहते हैं। और ये खांसी के लिए देसी तेल में भी इस्तेमाल होती है, बहुत इफेक्टिव है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आधा कप घी जो है उसे लेकर आपने गर्म कर लेना, और इसके अंदर 2 से 3 हरी इलायची या सब्जी इलायची जो होती है, छोटी इलायची, उसको आपने इसके अंदर फ्राई करना है। हार्डली आधा मिनट तक जब आप इलायची को फ्राई करेंगे किड़किड़ाने लगेगी, तो अब आप इसके अंदर 1 कप सूजी जो सूखी साफ की हुई है, पहले से छानी हुई है, वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 1 कप सूजी इसके अंदर चली जाएगी और अब आपने इसको फ्राई करना है। ध्यान रखें कि आपने बहुत तेज आंच पे नहीं करना है, दरमियानी आंच पे करना है, ताकि आपका घी जले नहीं किसी भी मौके पर। तो यहाँ पे घी थोड़ा कम महसूस हुआ मुझे, तो मैंने तकरीबन इसके अंदर 1/4 कप जो है घी उसकी एडिशन और कर दी है। अब आप देखेंगे कि 1/4 कप जब हमने देसी घी और डाला तो उसके बाद जो है कुछ इस तरह से हो गई कंसिस्टेंसी, यानी इतना घी है कि आप इसके अंदर आराम से सूजी को फ्राई कर सकते हैं। आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो 1 कप सूजी के साथ तकरीबन 3/4 कप घी इसके अंदर गया है, और अब आप देख रहे हैं कि सूजी का कलर आहिस्ता आहिस्ता डार्क होता जा रहा है। नेक्स्ट आपने अब क्या करना है कि जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा, आपने इसके अंदर सौंठ यानी सूखी हुई अदरक जो है उसको पाउडर कर लिया था घर में, 2 टेबल स्पून आपने वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। और आपने इसको जल्दी सूजी के अंदर सिर्फ मिक्स करना है और फौरन ही आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। बहुत ज्यादा आपने सौंठ को नहीं पकाना सूजी में डालकर, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर पकाएंगे, 1 मिनट से या आधे मिनट से भी ज्यादा आपने इसको पकाया, तो ये फौरन से जल जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो फौरन आपने इसके अंदर तकरीबन 1/2 लीटर पानी ऐड कर देना है। आप 1/2 लीटर से ज्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं, आपको अगर पतली कंसिस्टेंसी का हलवा चाहिए तो। यहाँ पर मैंने पहले 1/2 लीटर ऐड किया, तो उसके बाद 1/2 कप पानी दोबारा ऐड किया, और आप इसको 10 से 15 मिनट ढककर पकाएंगे यहाँ तक कि सूजी जो है वो फूल जाए उसका दाना। तो आप देख रहे हैं कि अब ऐसे ऐसे ठीक होना शुरू हो गया। 10-15 मिनट बाद ही फूल गया, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस टाइम पर आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है 1 कप, उसको मिक्स कर लेना। जैसे आपको साइड पे घी नजर आना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स चीनी मेल्ट हो गई है और आपका हलवा यहाँ पर तैयार है। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है ये, हमने घर में खुद कई मरतबा इस्तेमाल किया है। सीने की बलगम को बिल्कुल साफ कर देता है, खांसी का बेड़ा बेहतरीन इलाज है। जब बहुत तेज खांसी बच्चों को हो जाती है सर्दियों के अंदर, तो ये सॉफ्ट फूड है, आसानी से बच्चे खा भी लेंगे। गर्म गर्म हलवा जो है सौंठ का तैयार करके उन्हें खिलाएं और आप देखेंगे ये बहुत इफेक्टिव है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि सबका जारिया है, बहुत अच्छी रेमेडी है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।